गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल, आई थिंक यू ऑल विल बी फाइन। लेट मी कंटिन्यू एंड स्टार्ट चैप्टर 5, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ओपन पेज नंबर 40। फर्स्ट वी डू दिस गेट सेट। एज यू आर लुकिंग हियर, अनस्क्रैबल द लेटर्स गिवन बिलो, सर्किल दोज विच आर रिलेटेड टू प्लांट्स। नीचे दिए गए अनस्क्रेबल लेटर्स को आपको क्या करना है, सर्किल करना है। सर्किल दोज विच आर रिलेटेड टू प्लांट, जो प्लांट से रिलेटेड। फर्स्ट यू सी हियर दैट LFEA, तो व्हाट मीनिंगफुल वर्ड विल मेक LEAF means leaf. Leaf means patti. Okay? As you are seeing this picture, in the tree is leaf is there now. Means this whole tree. You see here leaves. Okay? Ye leaves hai. Here leaves. Next word will be ULNSG. So what we will make here meaningful word? Lungs. LUNGS. Lungs means phephra, with which we are breathing or aspiring, जिससे हम सांस लेते हैं lungs से. Next what will be SEED, seed. Seed मतलब बीज, which grow or develop into seedling. Means seed को जब पानी, हवा और वार्मथ मिलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो नन्हे पौधे में यानी सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट वर्ड वर्ड विल बी GEG, मीन्स एग. EGG, एग मीन्स अंडा. ओके, एंड द बर्ड्स लेइंग एग्स, आफ्टर सम टाइम दीज एग्स डेवलप इंटू, आफ्टर हैचिंग इंटू चिक्स. ओके, दिस इज eggs, egg. Now let us read how animals are different from plants in this chapter. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एनिमल प्लांट से डिफरेंट होते हैं. यू आर लुकिंग दैट पिक्चर हियर. हियर द प्लांट इज गोइंग टू जर्मिनेटिंग फ्रॉम सीड. हियर बर्ड्स, टाइगर. Plant and animals, what differences among between them? Cats, dogs and tigers are living things. Cats, dogs or tigers क्या है? Living things हैं. ये living thing क्या होते हैं? Living things are the things those have life. जिसमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? Living things कहते हैं. When you call out to a dog, it comes running to you. जब आप बुलाते हो एक डॉग को तो यह आपके पास दौड़ता हुआ आता है. आप बोलते हैं ना तू आ, तू दौड़ते हुए आता है आपके पास में. Mangoes, apples and bananas, when they are growing on trees. Mango, apple, banana जब ये बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं पेड़ों पर. आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, ये सारे क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स है. प्लांट्स भले ही एक जगह खड़ा रहता है बट ये भी लिविंग थिंग्स है. येट हाउ एवर मच यू मे कॉल अ राइप मैंगो हाई अप ऑन द ट्री, इट विल नॉट कम डाउन. फिर भी जब आप इस पके हुए आम को बुलाओगे, आजा आजा, खूब ऊंचाई पर है पेड़ पर, इट विल नॉट कम, लेकिन ये बुलाने से नहीं आएगा. दो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग, जबकि यद्यपि दोनों ही एनिमल्स और प्लांट दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, तो दोनों को बुलाने पर आना चाहिए ना. बट एनिमल तो आ जा रहा है बट प्लांट नहीं आते हैं. तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, तो बहुत तरीके से ये दोनों ही चीजें, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना.
एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड. आपने देखा होगा एनिमल कहीं एक जगह खड़ा नहीं होता प्लांट की तरह से, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, जैसे भी उनका मूवमेंट करने का तरीका है. क्यों चलते रहते हैं, क्यों भागते रहते हैं, क्यों उड़ते हैं, क्यों? उनको फूड चाहिए होता है ना. इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में जानवर एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं. मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड. प्लांट्स कहाँ होते हैं? ग्राउंड में फिक्स होते हैं, एक जगह अंदर ग्राउंड में उनके जो रूट्स होते हैं ना, अंदर ही अंदर ये रूट्स इस जमीन के अंदर फिक्स होते हैं ग्राउंड में. तो ये कैसे चलेंगे? ओके, एनिमल्स मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते हैं. व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. चिड़िया क्यों एक जगह से दूसरे जगह को उड़ती है? व्हाई डज अ लायन रोम. लायन क्यों दहाड़ता है? अबाउट इन ए जंगल, क्यों चलता है, दौड़ता है जंगल में, इधर उधर क्यों घूमता है? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड. वे क्यों मूव करते हैं? भोजन की तलाश में, क्योंकि उनको भूख लगेगी तो एक जगह थोड़ी ना भूख मिटेगी या भोजन मिलेगा. उसके लिए उन्हें क्या होगा? जंगल जंगल घूमना होगा, अपना शिकार करना होगा, तब तो वो अपना फूड पाएंगे और खाएंगे. ऑन द अदर हैंड मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड. और दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो जमीन में एक जगह पर फिक्स होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं. दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड. वे इस तरह से भोजन की तलाश नहीं करते हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं. ओके, अब ये अपना भोजन, अपना फूड कैसे बनाते हैं? ओके, वी स्टडी अबाउट दैट इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, तब तक के लिए गुड बाय.